हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रैश एजू। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो है वो हमारा स्कॉलरशिप एग्जाम ऑनलाइन प्रिपरेशन कॉन्टेस्ट टेस्ट के रिलेटेड है, क्योंकि ये जो टेस्ट है ये हमारी लास्ट टेस्ट होने वाली है। और जो टेस्ट जो कि ये नंबर से होगी 5S5P समथिंग समथिंग और 8S5P समथिंग समथिंग, इस नंबर से जो टेस्ट आने वाली है, इस टेस्ट के बारे में मैं आज आपको कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाली हूँ। जैसे कि ये जो टेस्ट है ये हम आपके लिए टाइम मैनेजमेंट के बेस पे लाने वाले हैं, क्योंकि अभी तक आपने जितने भी कॉन्टेस्ट सॉल्व किए हैं उसके लिए आपको OMR शीट जो थी वो आपको बहुत सारे टाइम तक थी, लेकिन ये जो OMR शीट है ये आपको टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से आपको ये सॉल्व करनी है और वहां पे आपको आंसर्स देने हैं। तो स्टूडेंट, एक बात ध्यान में रखना कि ये जो कॉन्टेस्ट के पेपर्स है ये ओनली संडे को ही पब्लिश होने वाले हैं। तो यहाँ पे शेड्यूल में आपको दे रही हूँ, जैसे कि स्टैंडर्ड 5th के लिए है ये जो शेड्यूल है, फर्स्ट इंग्लिश है उनका 27 दिसंबर 2020 9:00 को ये पब्लिश होने वाला है, और इसकी OMR शीट जो है वो 9:00 से लेके 9:40 तक आपको वो OMR शीट जो है वो आपके लिए ओपन रहेगी। और यहाँ पे 30 मिनट आपको हम दे रहे हैं और 10 मिनट जो है वो आपको आपकी OMR शीट फिल करने के लिए है। आपको चेक करना है कि ये आंसर्स आपने सब आंसर्स फिलअप किए हैं कि नहीं है। तो मेरे आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखेंगे स्टूडेंट, तो वीडियो देखते देखते एक बाजू में आपके यहाँ पे रफ पेपर रखना, क्योंकि आपके जो आंसर्स है वो आप वहां पे लिख लो और बाद में जो 10 मिनट्स बचे हैं उसमें आपको ये फिल करने हैं। स्टूडेंट, ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे, क्योंकि ये जो टाइम मैनेजमेंट है ये आपको आपके आने वाले एग्जाम में भी यूजफुल होने वाला है। तो मैथमेटिक्स का जो है पेपर वो 3 जनवरी 2021 को 9:00 में पब्लिश होगा, और उसकी OMR शीट जो है वो सुबह 9:00 से लेके 10 तक वो OMR शीट एक्टिव रहेगी। यहाँ पे आपको 60 मिनट है और प्लस 10 मिनट आपको OMR शीट फिल करने के लिए है। बाद में है मराठी पेपर जो है 10 जनवरी 2021 को सुबह 9:00 में, और इसकी OMR शीट जो है वो सुबह 9:00 से लेके 9:40 तक एक्टिव रहेगी, जिसमें आपको 30 मिनट है और प्लस 10 मिनट जो है वो OMR शीट फिल करने के लिए है। सेम उसी तरह इंटेलिजेंस टेस्ट का जो पेपर है वो 17 जनवरी 2021 को 9:00 को पब्लिश होने वाला है, और इसकी OMR शीट जो है वो सुबह 9:00 से लेके सुबह 10:10 तक वो एक्टिव रहेगी। इसमें भी आपको 60 मिनट है और प्लस 10 मिनट है। तो स्टूडेंट, ये है स्टैंडर्ड 5th के लिए हमारा शेड्यूल था। अभी हम देखेंगे स्टैंडर्ड 8th के लिए हमारा क्या शेड्यूल है। तो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 8th के लिए है इंग्लिश 27 दिसंबर 2020 सुबह मॉर्निंग 9:30 को है पब्लिश होगा ये पेपर, और इसकी OMR शीट जो है वो सुबह मॉर्निंग में 9:30 से 10:10 तक एक्टिव रहेगी, जिसमें आपको 30 मिनट दिए गए हैं और 10 मिनट जो है वो आपको OMR शीट फिल करनी है और आपके जो आंसर्स है वो आपको चेक करने हैं। स्टूडेंट, मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप वीडियो देखेंगे तो वीडियो देखते देखते ही आपके जो आंसर्स है वो आप कहीं पे रफ पेपर पे लिख लो, और जो 10 मिनट्स रहेंगे वो 10 मिनट्स में आप अपनी OMR शीट जो है वो फिल कर लो और फिर सबमिट करो। तो ये जो है कॉन्टेस्ट, हम आपको इसलिए पहले आपको जानकारी दे रहे हैं क्योंकि आप जो है इन डेट्स को अपने अपने कागज पेन के साथ आप तैयार रहेंगे और अपनी OMR शीट जल्दी से जल्दी। नेक्स्ट है मैथमेटिक्स, और जो है 3 जनवरी 2021 को सुबह मॉर्निंग में 9:30 को पब्लिश होने वाला है, और इसकी OMR शीट जो है वो सुबह मॉर्निंग
मॉर्निंग में 9:30 से लेके 10:40 तक एक्टिव रहेगी, जिसमें आपको 60 मिनट प्लस 10 मिनट मिलने वाले हैं। नेक्स्ट है मराठी, जो 10 जनवरी 2021 को मॉर्निंग 9:30 को ये पब्लिश होने वाला है, और इसकी OMR शीट जो है मॉर्निंग 9:30 से लेके मॉर्निंग 10:10 तक एक्टिव रहेगी, जिसमें आपको 30 मिनट प्लस 10 मिनट्स मिलने वाले हैं। इंटेलिजेंस टेस्ट है जो 17 जनवरी 2021 को मॉर्निंग 9:30 को ये पेपर जो है वो पब्लिश होने वाला है, और इसकी OMR शीट जो है वो मॉर्निंग 9:30 को ये पब्लिश होने वाला है, और इसकी जो OMR शीट है ये 9:30 से लेके 10:40 तक ये एक्टिव रहेगी, और यहाँ पे भी आपको 60 प्लस 10 मिनट आपको मिलने वाले हैं। तो स्टूडेंट, ये 10 मिनट आपको किस लिए है कि ये 10 मिनट जो है, एक्स्ट्रा 10 मिनट हम आपको दे रहे हैं, ये आपको OMR शीट जो है वो करेक्टली फिल करनी है और सबमिट करने के लिए है। तो स्टूडेंट, एक बात आपको ध्यान में रखने है कि OMR शीट सबमिशन टाइम होने के बाद अगर किसी स्टूडेंट ने OMR शीट सबमिट की गई तो वो अपने कॉन्टेस्ट के लिए कंसिडर नहीं की जाएगी। वो जो OMR शीट रहेगी वो उन स्टूडेंट को सिर्फ प्रैक्टिस पर्पज के लिए ही रहेगी, ये बात आप ध्यान में रखना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी बातें आप ध्यान में रखेंगे, और जो भी तारीख हमने आपको दी है उन तारीखों को आप अपने अपने कागज पेन के साथ तैयार रहेंगे और अपनी OMR शीट टाइम पर सबमिट करेंगे। तो स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टाइम मैनेजमेंट बेस्ड कॉन्टेस्ट। सो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी इस कॉन्टेस्ट में टाइम मैनेजमेंट के साथ ही चलेंगे और अपनी प्रैक्टिस और ज्यादा से ज्यादा बढ़ाएंगे। सो स्टूडेंट, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।